पिछले जन्म में मैं क्या था पता नहीं, अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा ये भी पता नहीं, मगर दुनिया में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अगर उनको ये रिसर्च करना है तो उसकी सबसे बेहतरीन जगह अगर कहीं है तो भारत में, एक ऐसा शहर जिसकी उम्र है 8000 साल से भी पहले की। वहां पर जाने से पहले एक राजमार्ग से हमको गुजरना पड़ेगा, यानी एक ब्रिज से गुजरना पड़ेगा जिसकी उम्र है मोर देन 137 ईयर्स, एंड वी आर एंटरिंग गोल्डन ब्रिज। जिस शहर का आज मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबात। इस पर मुगलों ने राज किया, सिलहारा ने राज किया, गुप्तों ने राज किया, डच लोगों ने राज किया, पुर्तगीज लोगों ने राज किया, और इसका नाम वक्त के साथ कई बार बदला। इसके कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, शायद आप पहचान जाएंगे ये शहर कौन सा है। बरिगाजा, बरुगाजा, ब्रुआच, ब्रुगपुर, ब्रुग क्षेत्र, ब्रुगुकाक्ष, ब्रुग कच्छ, एंड आज की तारीख में जिसे जाना जाता है भरूच के नाम से। भरूच की सेंग नर्मदा नदी की वजह से पूरे विश्व में मशहूर। भरूच की सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ कुछ ऐसी जगहों पर जो आप भरूच में आए विजिट करना चाहिए। सबसे पहले नाथू थोबान धर्मशाला, जो दांडिया बाजार में 175 साल पुराना स्वामी नारायण मंदिर, 18वीं सदी में बना हुआ रतन तालाब, जहां पर आप टॉर्टाइज के कई रेयर स्पीशीज को देख सकते हैं। 14वीं सदी में बना ये नज़ारा जुम्मा मस्जिद का है। 1760 में जो 5 इम्पोर्टेंट फायर टेंपल बने थे पारसी लोगों की भारत में एंट्री की, उसमें से एक निशानी यहाँ पर है जिसका नाम है दस्तूरजु कांथा अग्यारी। इसी के बाजू में आपको पारसी वार्ड दिखेगा, उसी के साथ में आपको यहाँ पर 300 साल पुरानी जगह दिखेगी जिसका नाम है सरदार मंजिल। मुस्लिम राजाओं के राज्य के जमाने की निशानी बेगम वाड़ी आपको यहाँ पर नजर आएगी। रायचंद दीपचंद लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिखेगी, जहाँ पर बहुत सारे कबर्ड्स है, हेरिटेज चीज़ें हैं और 2 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। यहाँ पर एक टॉवर हुआ करता था जो 1908 में बना था, जिसके चारों तरफ घड़ी हुआ करती थी और ऊपर एक रेड कलर की लाइट होती थी जो बाढ़ आने के सिग्नल दिया करती थी, लेकिन 2001 में धरती कंप में ये नष्ट हो गई। यहाँ पर आपको पुरानी निशानियों में भरूच नो कोट दिखेगा, यानी भरूच की जो किले की वॉल थी उसकी कुछ निशानियां आपको नजर आएगी। यहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह है, स्लॉट्स है, जिसमें तोपों को सेट किया जाता था और तोप से दुश्मन पर वार किया जाता था। ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों साल से अरबों ने, डच लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगीज लोगों ने, इजिप्शियन लोगों ने एंट्री की, व्यापार किया, सिल्क का व्यापार, रेशम का व्यापार यहाँ पर होता था, शिप बिल्डिंग का काम यहाँ पर होता था, कई युद्ध यहाँ पर हुए। वाटर कंजर्वेशन की एक बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल मिसाल स्टेप वेल है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है वंजार वाव, वो आपको दिखेगा। डच लोगों के ज़माने में जो उनकी बस्ती थी तो उनका एक शमशान सिमेट्री यहाँ पर दिखेगी, डच सिमेट्री, और गांधी जी के दांडी यात्रा से पहले की और बाद की उनके रहने की कई निशानियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। इससे पहले कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी और पिछले जन्म अगले जन्म की ओर जाए, एक ब्रिटिश सोल्जर के और उसके घोड़े के नाम पर यहाँ पर एक निशानी बाकी है, जिसको कहा जाता है ग्रेव ऑफ ब्रिटिश सोल्जर विथ हिज हॉर्स। एक सिपाही जो युद्ध में जख्मी हुआ लेकिन उसको न छोड़ते हुए उसका घोड़ा ईमानदारी से उसके साथ में रहा और वापस आया इस सोल्जर को लेकर, मगर बदकिस्मती से इस सिपाही की मौत हो गई और उसी वक्त इस घोड़े की भी मौत हो गई। प्राणी और मनुष्य के जीवन की जो प्रेम भावना है उसकी एक बेहतरीन मिसाल ये ब्रिटिश सोल्जर एंड हिज हॉर्स ग्रेव आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह की, जिसका नाम है दश अश्वमेघ घाट। ये जगह कितनी पुरानी है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्कंद पुराण की बात कर रहा हूँ, असुरों के एक राजा महाबली जिसने 99 यज्ञ पूरे किए और 100वां यज्ञ पूरा करने के बाद
उन्हें इंद्र की पदवी मिलने वाली थी, यानी वो इंद्र बनने वाले थे। लेकिन ये बात विष्णु को पता चली और शुक्राचार्य के इस शिष्य को वो पद पे न जाने देने के लिए उन्होंने 100वें यज्ञ के समय अपना दर्शन महाबली राजा को दिया। महाबली राजा से उन्होंने दक्षिणा मांगी। तब राजा ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? तो वामन रूप, बटुक रूप लिए हुए विष्णु ने कहा, मुझे सिर्फ 3 कदम रखने की जगह चाहिए। बली राजा ने हंसते हंसते उन्हें कहा, जो चाहिए वो जगह ले लीजिए। विष्णु ने पहला कदम रखा पृथ्वी पर, दूसरा कदम रखा गगन पर और तीसरा कदम रखने के लिए जब जगह नहीं मिली तब महाबली राजा ने अपने सर को आगे किया और विष्णु ने उनके सर पर पैर रख के उन्हें नरक लोक में भेज दिया, जहाँ पर ये दश अश्वमेघ माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल घटना हुई, वही जगह यहाँ पर है। यहाँ पर आप अलग अलग मंदिर देखेंगे, नर्मदा माता का भी मंदिर देखेंगे और वामन रूप विष्णु का है उसका भी, बटुक स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर देखेंगे। भृगु ऋषि जब यहाँ पर आए तब उन्होंने एक कछुए के ऊपर बैठकर यहाँ पर प्रवेश किया था, इसलिए इस जगह का नाम हुआ भृगु कच्छ और वक्त के साथ बदलते हुए ये हुआ भरूच। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ऋषि विश्व के निर्माता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। यहाँ पर आपको कई ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर उनकी वंशावली भी आपको मिलेगी। जिनका भी सरनेम भार्गव है दे आर बेसिकली फ्रॉम दिस प्लेस भरूच। वल्लभाचार्य की बैठक यहाँ पर आप देख सकते हैं। विष्णु के कई रूपों में एक अवतार है परशुराम, वो भी भृगु ऋषि के वंशज, बाद में के वंशज। भृगु ऋषि की बेटी का जिक्र यहाँ पर होता है और वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति विष्णु यानी भृगु ऋषि के जमाई हुए विष्णु, एक बार भृगु ऋषि विष्णु के पास गए, तब उन्होंने उन्हें निद्रा अवस्था में देखा और क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु का अपमान किया। लेकिन विष्णु ने तुरंत उनका पैर पकड़ लिया और उनके पैर में जो तीसरी आँख थी उसको नष्ट कर दिया, जो जरूरी था, ऐसा स्कंद पुराण के रेफरेंसेस में मिलता है। लेकिन अपने पति का अपमान होने की वजह से लक्ष्मी वहां से चली गई और इसीलिए शायद थोड़ा नुकसान भरूच शहर को डेफिनेटली हुआ। ये शहर कई बार बना, कई बार टूटा, धरती कंप का भी इसके ऊपर असर हुआ, इसलिए कहावत बन गई भांग्यो भांग्यो तो ये भरूच। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले जन्म में आप क्या होंगे, यानी एस्ट्रोलॉजी की अगर निर्मिति इस धरती पर कहीं हुई है सो दिस इज द प्लेस नोन एज भरूच। भृगु ऋषि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया और उन्होंने भृगु संहिता लिखी, आज उसके कोई निशानियां बाकी नहीं है, लेकिन राजकोट में एक भाई साहब भृगु संहिता जरूर सेल करते हैं। अगर इफ यू गो थ्रू दिस भृगु संहिता, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का आप पिछला जन्म, प्रेजेंट, भविष्य, फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। तो जब भी कभी किसी भी लड़का लड़की की शादी के लिए जन्म पत्री कुंडली अगर मांगी जाए तो याद रखिएगा गुजरात के भरूच शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। पायोनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन दिस वर्ल्ड इज भरूच एंड भृगु ऋषि। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस भृगु क्षेत्र को मैं वंदन करता हूँ। दी सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जिसकी उम्र है 8000 साल से भी ज्यादा, दिस इज भरूच, प्राइड ऑफ गुजरात और हम सब के लिए भारत का और विश्व का सम्मान।